भारतवर्ष में 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों के आने के साथ साथ आया यूरोपियन रियलिज्म यानी पाश्चात्य यथार्थवाद और कला जगत में आया ऑयल पेंटिंग्स का नया दौर। एक तरफ थे टेलीकैटल थॉमस डैनियल और दूसरी ओर थे राजा रवि वर्मा, एम एफ विधावाला और एच मजूमदार। ये भारतीय आधुनिक कला की नींव थी जो आगे चलकर कला की नई परंपरा के रूप में विकसित हुई। इसी विषय पर राजधानी की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक प्रदर्शनी लगी हुई है। इस प्रदर्शनी का शीर्षक है इंटरैक्शन इन इंडियन आर्ट 1850 ऑनवर्ड्स। इस प्रदर्शनी के पीछे जो मुख्य उद्देश्य रहे हैं वो केवल मात्र ये नहीं है कि किस प्रकार से इतिहास और ऐतिहासिक रूप में चित्रों को दिखाया जाए। मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी चित्रण शैली और सभ्यता किस प्रकार से इनसे जुड़ी है। ये प्रदर्शनी एक अवसर है हमारे देश के महान कलाकारों की कला को समझने का। कला की जो सरसता यूरोपियन प्रभाव से शुरू हुई वो आगे चलकर भारतीय पहचान की खोज में चल पड़ी। अरविंदनाथ टैगोर, जुगतई और के एन मजूमदार ने जहां एक और राजपूत शासनकालीन और मुगल शासनकालीन कला का चित्रण किया, वहीं नंदलाल बोस ने कृष्ण की विभिन्न लीलाओं, अभिमन्यु वध और रामलीलाओं को बहुत ही आकर्षक तरीके से कैनवस पर उभारा है। लेकिन राम किंकर बैज ने इन सबसे परे अपनी प्रेमिका विनोदिनी का मार्मिक चित्रण किया है जो राम किंकर और विनोदिनी के अनोखे रिश्ते को दर्शाता है। बहरहाल इस प्रदर्शनी में पाश्चात्य और भारतीय कला का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है।